युग पूर्व की बात है, असुर राज बाली ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। बाली से कलश पाने के लिए देवताओं के संघर्ष में वो कलश समुद्र में गिर पड़ा। देवता और असुर सभी अमृत पाना चाहते थे। समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। इस मंथन से कालकोट नामक विष निकलने लगा, जिसमें समस्त संसार के विनाश का सामर्थ्य था। इस गरल से सृष्टि की रक्षा करना और इसे नियंत्रित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब महादेव ने संसार की रक्षा हेतु वो सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। Om Namah Shivaya।